Hello everyone, welcome back to our channel. So today we will discuss about a paintings of Ajanta cave. Okay, so Ajanta cave rock cut sculpture के लिए famous है. इसी तरीके से ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में और बागोरा रिवर के किनारे लोकेटेड है. ओके, सो Ajanta cave में आपको different टाइप के और incredible pillars, fresco, mural paintings, रॉक कट स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे. इसी तरीके से कुछ ऐसे भी केव हैं जिसमें आपको चैत्य विरह और इनका जो बौद्धि सत्व थे वो किस तरीके से विश्राम करते थे, बुद्ध कैसे विश्राम करते थे, उनका भी एक कक्ष मिलेगा देखने को, बड़ा सा हॉल मिलेगा देखने को. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पेंटिंग, बौद्धि सत्व पद्मापनी. ओके, a painting in cave number 1 of Ajanta cave. This is the Buddha's former existence portrayed as a painting. Cave number 1 of Ajanta cave is known for some of the most elaborate carving and sculpture from the life of Gautam Buddha. Okay, so yahan par jo bhi aap work dekhenge wo mostly Buddha ke upar hi kiya gaya hai. Okay, in the first painting, ye Padmapani painting hai inka naam. और इसमें आप देख सकते हैं बुद्ध के काफी लंबे हाथ क्रिएट किए गए हैं. पहले के टाइम यह कहा जाता था कि जो महापुरुष है उनके लंबे हाथ क्रिएट किए जाते थे और इसी तरीके से अट्रैक्शन दिखाया जाता था. इनके जो हाथ में आप कमल देख रहे हैं यही इनका मेन अट्रैक्शन है. इसी तरीके से जो माला आप देख रहे हैं या फिर जनेऊ देख सकते हैं किस तरीके से ये पेंटिंग को डिफरेंट दिखाया गया है, बनाया गया है. तो ये जो टाइप है पेंटिंग का ये म्यूरल पेंटिंग है. इसी तरीके से इनको मुकुट भी पहनाया गया है, इनके जो आईब्रोज है वो मिली हुई है. तो इस तरीके से आप इस पेंटिंग को याद कर सकते हैं और रिकग्नाइज कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पेंटिंग पर आते हैं. नेक्स्ट पेंटिंग हमारी किंग जनाका एंड उनकी वाइफ की पेंटिंग है, उनके ऊपर ये प्रॉपर पेंटिंग बनी हुई है. This is a painting of King Janaka of Videha sitting in the palace of his with his wife. Okay, so Janaka और उनकी wife की ये painting बनाई गई है. कहते थे कि काफी जो King Janaka है उन्होंने simple life जी हुई है और उन्होंने धीरे धीरे जब वो बुद्ध से impress हुए तो उनकी जो lifestyle है उसको अपने अंदर समाया और उसी तरीके से lifestyle जीने लगे. नेक्स्ट पेंटिंग पर आते हैं. द पेंटिंग ऑफ पर्शियन एम्बेसडर, अ सीलिंग पेंटिंग इज अ केव नंबर 1 ऑफ अजंता केव. दिस वन डजंट टॉक अबाउट एनी रिलीजियस स्टोरी बट इट इज अ जनरल डेकोरेटिव मोटिव दैट एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्शियन कल्चर इन एंशियंट इंडिया. ओके, सो यहाँ पर पर्टिकुलर किसी रिलीजियस के ऊपर ये पेंटिंग नहीं बनाई गई है बट इसमें आप जो मोटिव्स दे सकते हैं. अब जो ऑर्गेनिक जो डिजाइन्स होती हैं उसे हम मोटिव्स, उसमें मोटिव्स आते हैं तो कुछ इस तरीके से ये पेंटिंग को डिपिक्ट किया गया है. नेक्स्ट आते हैं द बुद्धा पेंटिंग विथ इंट्रिकेटली ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन द डोरवेज. दिस पेंटिंग इन केव नंबर 6 ऑफ अजंता केव डिपिक्ट्स डिफरेंट इवेंट्स इन बुद्धास लाइफ. ओके, सो बेसिकली जो आप पुराने और एंशियंट वर्क देखेंगे उसमें हमारे जो डेली एक्टिविटीज होती है, जो सब्जेक्ट की डेली एक्टिविटीज होती है उसी को डिपिक्ट किया जाता है. तो कुछ इस तरीके से आप ये फ्रेस्को पेंटिंग देख सकते हैं. इसमें अलग अलग एक्टिविटी करते हुए बुद्धा को दिखाया गया, उनकी लाइफ को बताया गया है. नेक्स्ट आते हैं डोरवे पेंटिंग. ओके, वन ऑफ द मेनी डोरवे पेंटिंग इन अजंता केव. This one depicts scene from kings and communities enjoying each other's company, eating and drinking wine in merriment. Okay, so ये वाली जो painting है इसमें अलग अलग kings को दिखाया गया है, वो साथ में किस तरीके से communicate कर रहे हैं, party कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं. Okay, so thank you everyone for watching the video.